रुख करते हैं कसूर का। यहाँ पे यकम रबीउल अव्वल की अजीम उशान सालाना महफिल नात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का प्रोग्राम हुसैनी नात काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कसूर सिटी सेंटर बाजार दालग्राम कसूर में मुनक्किद किया गया। मेज़बान महफिल नायब सदर हुसैनी नात काउंसिल मोहम्मद शफीक जट ने महफिल का आगाज तलावत कुरान पाक से करवाया। लंगर हुसैनी का वसी इंतजाम किया गया। आखिर में कारी सईद अहमद ने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद अहमद से जो इस वक्त उधर मौजूद हैं। जी चौधरी मोहम्मद अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी सेंटर बाजार दालगिरा कसूर। यहाँ पर हुसैनी नात काउंसिल के ज़ेरे तमाम महफिल मिलाद का सिलसिला जारी था और ये अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक इख्तिताम पज़ीर हो गया है। और मुकामी नात खानों के अलावा लाहौर से आए हुए नात खान मोहम्मद आजम कादरी साहब, मैं इनसे जानता हूँ कसूर आप पहली दफा आए हैं, कैसा लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कादरी साहब कैसा लगा कसूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बुल्ले शाह आपकी बारगाह में जब भी आते बड़ा एक मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। और आज तो माशाल्लाह हुसैनी नात काउंसिल के जितने अरकान हैं इन्होंने महफूज सजा कर इस बात को साबित की है कि माह नूर के साथ हैं और इनकी सरकार के आने की बड़ी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम आपने पढ़ा है, तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, कसूर वालों को तो बहुत पसंद आई है। तो ये कितनी देर हो गई है आपको नात पढ़ते हुए? मुझे 14-15 साल ड्यूटी करते हो और ये सरकार जिसको पसंद करे या उसी पे ये सारी जो जिनको वो पसंद करे वही उनकी आला दर्जी है, उनकी शफकतें हैं, प्यार है, करम नवाजी है, नायात है, उन्होंने इस काबिल समझा है। 15 साल मुझे। थैंक यू सो मच जी। ये लाहौर से आए हुए सना खान से बड़ा खूबसूरत और खूबसूरत आवाज़ में एक मुनफरद अंदाज में इन्होंने इधर नात शरीफ पढ़ी है और लोगों ने बहुत पसंद की है। उस हुसैनी नात काउंसिल के ज़ेरे तमाम ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो गया है और जहाँ पर अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है, ज़ायरीन ने, यहाँ पर बिजनेस कम्यूनिटी के अलावा भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है, जहाँ पर अकीदतमंदों ने बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में जो मेहमान आए हुए थे सुना है। जी बहुत शुक्रिया से हमारे 47 न्यूज के नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस दो गरों के 4 अरकान गिरफ्तार, मुस्लिम टाउन पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मुलजमान मौका मिलने पर घरों के अंदर और बाहर से सामान चोरी करते थे, मुलजमान गन पॉइंट पर भी वारदातें करते थे। नवाज राबर और मोटरसाइकिल चोर गैंग और अली रजा मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, दो ग्रुपों के कब्जे से मजमूई तौर पर 14 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। मोहम्मद उस्मान टीपू मुलजमान की गिरफ्तारी से मुख्तलिफ थानों के 11 मुकदमात ट्रेस, नवाज राबर और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान नवाज शकील गिरफ्तार, मुलजिमान की गिरफ्तारी से 7 मुकदमात ट्रेस, मुलजिमान के कब्जे से 10,50,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। खतरनाक गरों से पिस्तौल और गोलियां, 2.5 तोले सोना, 2 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल, 25,000 से ज्यादा नकदी बरामद। दूसरी कार्रवाई में अली रजा मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान अली रजा जेखम गिरफ्तार, मुलजिमान की गिरफ्तारी से 4 मुकदमात ट्रेस, गरों के कब्जे से 3,60,000 का माल मसरूका बरामद। मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां, मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 30,000 से ज्यादा नकदी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की एसएचओ नदीम कंबो और पुलिस टीम को शाबाश।